जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलो जी तो अब हमारे वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर किया और उस पर आर्बिट्रेज भी कर लिया आर्बिट्रेज हाँ सर आर्बिट्रेज किया ओके okay. ठीक है अब करने जा रहा है पार्ट नंबर थ्री जिसको बोला जाता है बीटा मैनेजमेंट या बोला जाता है थ्रू स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर नाम से लग रहा है हेजिंग करने वाले हैं ठीक है सर सबसे बड़ी बात है कि आप बीटा से क्या समझते हो और क्या मैंने बीटा डिस्कशन किया था यस yes. और मैंने बीटा कहाँ डिस्कस किया था मतलब मैं आपको बेसिक क्लास समझा रहा था बेसिक चीज उसमें मैंने बीटा डिस्कस किया था तो मान लो बीटा याद दिला दू, बीटा है कंपनी का नाम है रिलायंस इसका मतलब क्या हुआ रिलायंस का बीटा टू है इसका मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट या निफ्टी निफ्टी बोलो या मार्केट बोलो सर अगर निफ्टी एक परसेंट से बढ़ता है तो रिलायंस का शेयर दो परसेंट से बढ़ता है अगर निफ्टी एक परसेंट से गिरता है तो रिलायंस का शेयर दो परसेंट से गिरता इट मीन बीटा का फॉर्मूला हो सकता है और बीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर या चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन निफ्टी या चेंज इन मार्केट क्या ये बीटा का फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको कहीं लिखवाया हूं यस yes. ठीक है यहां तक ठीक और एक शब्द मिलेगा आपको पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो बीटा भी मैंने आपको करवाया था कि आपने एक से ज्यादा सिक्योरिटी में पैसा लगा के रखा इसको है इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो 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 मतलब एक जगह पैसा लगाना कि एक से ज्यादा जगह एक से ज्यादा आपने एक से ज्यादा स्टॉक में पैसा लगा रखा डी और इन सब का आपने वेटेड एवरेज बीटा निकाला और वेटेड एवरेज बीटा आ गया 1.5 वेटेड एवरेज बीटा कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैं आपको बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ सर फिर भी हम लोगों को याद नहीं है चिंता मत करो आगे मैं करवाने वाला तो पोर्टफोलियो बीटा है 1.5 इसका मतलब इसका मतलब सर वही तो हुआ कि मार्केट गिरेगा 1% से तो पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरेगा 1.5% से और मार्केट बढ़ेगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ जाएगा यही तो मतलब होता है ना सर बिल्कुल सही ठीक है अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बीटा नेगेटिव हो सकता है सपोज रिलायंस का बीटा नेगेटिव है माइनस टू इसका मतलब ये भी आसान है सर मार्केट बढ़ेगा वन परसेंट से तो रिलायंस गिरेगा टू परसेंट से टू परसेंट से मतलब अपोजिट डायरेक्शन दैट्स इट ठीक है सर तो लगभग बीटा तो समझ में आता सर बीटा तो आपने डिस्कशन किया बी था करना क्या है करना क्या है ये भी समझा रहा हूं पहले बीटा और पोर्टफोलियो बीटा क्या है इसे थोड़ा बहुत लिखवाया हूँ एक बार रीड कर लेते हैं समस्या नहीं होगी इसलिए हालांकि ये सब किए हो आपने सर ये सब सारी चीजें हमने बेसिक जो क्लास आपने करवाया था ना उसमें पढ़ाया है बिल्कुल समझे एक बार क्या लिखा हुआ बीटा क्या है बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क सर ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता दो टाइप की रिस्क होती है पोर्टफोलियो में मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं वैसे एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब मार्केट अगर कम ज़्यादा होता है तो नो डाउट हमारे कंपनी का भी शेयर में कम ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत सेफ़ है रिलायंस बहुत अच्छी है पर अगर मार्केट में चेंज होगा तो रिलायंस में तो चेंज हो होगा ही होगा कोई रोक नहीं सकता मार्केट से रिलेटेड रिस्क लेकिन उसके अता, अलावा भी कंपनी का भी तो रिस्क होता है स्पेसिफिक रिस्क जैसे अगर मैं टाटा में पैसा लगाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट मार्केट अगर हिलेगा तो टाटा भी हिलेगा पर टाटा में जो प्रॉब्लम चल रही है इंटरनल वो भी तो देखना पड़ेगा उसको जो कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो भी एक टाइप का रिस्क है उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क अच्छा सर हाँ दो टाइप का रिस्क होता है एक मार्केट के मूवमेंट से कंपनी में क्या होता है दीदी सिस्टमैटिक रिस्क और हो सकता है मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ उसका लेबर का प्रॉब्लम आ जाए उस कंपनी में वो उस टाइप का भी रिस्क मुझे देखना होता है कंपनी रिलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क सर डिटेल में समझाओ ना प्लीज नहीं यहाँ नहीं कहाँ पोर्टफोलियो ठीक है तो बीटा किससे रिलेटेड है मार्केट से रिलेटेड है इसलिए इसको हम कौन सा रिस्क बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क चिंता मत करना इस इस शब्द शब्द का का क्या यूज है? इस का यहां यूज यूज है है होने होने वाला वाला कि नहीं यहां कोई यूज नहीं कोई बस याद रख लो कि लोटिक रिस्क का मतलब बीटा विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप किस किस का चेंज इन स्टॉक रिटर्न एंड चेंज इन मार्केट रिटर्न इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है यही तो बीटा है तो बीटा का फॉर्मूला बन गया हमारा चेंज चेंज इन इन स्टॉक रिटर्न रिटर्न मार्केट ठीक सर ये थ्योरी एग्जाम में आना है जो आना वो तो मैं अपने हाथ से लिखवाऊंगा और आपको लिखना पड़ेगा मैं जानता हूं ये नहीं आना है ये नहीं आना, ये नहीं आना तो लिखकर क्यों टाइम पास करें ठीक है इसलिए मैंने बुक में ही लिख दिया ओके। चलो जी आगे चलते और और तो इसका मतलब ज्यादा बीटा है मतलब ज्यादा रिस्क है ज़्यादा बीटा ज़्यादा मैंने कहा ना सर बीटा मतलब रिस्क कैसे हुआ अगर बीटा किसी का फाइव है वैसे होता नहीं फाइव है तो मार्केट बढ़ेगा एक परसेंट से तो उसका तो स्टॉक का रिटर्न पांच परसेंट से बढ़ेगा ना बेटे बढ़े चाहे कम हो मतलब रिस्क मानते हैं ठीक है थीक? ठीक है 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 सर तो 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 इसका मतलब हायर वालतिलिटी। और ज़्यादा तो ज़्यादा तो ये भी हमको समझना हालांकि मैं कहा लिखवा चुका लिखवाया में पोर्टफोलियो बीटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक ठीक नहीं सपोज वी इन्वेस्ट इन फॉलोइंग स्टॉक्स अब समझना मैं याद दिला दूं आपको कि यार मैंने ए सी तीन स्टॉक्स में पैसा लगाया है इसमें तीन लाख इसमें दो लाख इसमें पांच लाख तो टोटल मिलाकर कितना लगा है सर दस लाख दस लाख और दस लाख क्या है इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है दस लाख मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है दस लाख रुपए है ठीक है सर और ए में जो पैसा लगा है उसका बीटा कितना है टू बी में जो पैसा लगा है उसका बीटा कितना है वन पॉइंट फाइव और सी में पैसा लगा है उसका बीटा कितना है वन तो बोल रहा है कि बताइए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है इसको डिटेल में टॉप पोर्टफोलियो फॉर्मुला क्या कहता है तो क्या करना है कुछ नहीं करना तीन लाख इंटू टू दो लाख इंटू वन पॉइंट फाइव और पांच लाख इंटू वन और पोर्टफोलियो कितने का है दस लाख तो ये आ गया वन पॉइंट फोर इसको बोलते हैं बीटा पोर्टफोलियो कुछ नहीं सर ये तो वेटेड एवरेज है हा ना भाई वेटेड एवरेज हालांकि इसको आईसीए ऐसे नहीं सॉल्व करता है इसको बोलते हैं हम थोड़ा डिजाइन बना के करेंगे थोड़ा टेबल बना के करेंगे और वो टेबल बना के इस तरह से सॉल्व करता है बोले मेथड नंबर है ऑफ पोर्टफोलियो निकालने आप का आप सुनो उनका क्या कहना बोले प्यार से टेबल बनाओ सबसे पहले लिखिए स्टॉक्स फिर लिखिए अमाउंट तीन लाख दो लाख तो टोटल मिलाकर कितना हो गया दस लाख लिख लिया उसके बाद वेट लिखिए सर वेट क्या होता है वेट क्या होता समझाने की जरूरत नहीं है कि यार जो दस लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो उसमें ए में कितना पैसा लगा तीन लाख तो परसेंटेज में बोलो कितना परसेंटेज सर थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट को पॉइंट थ्री बी में कितना लगा दो लाख ट्वेंटी परसेंट और इसमें कितना और बीटा का वेट का टोटल क्या आएगा वन ही आएगा और फिर यहां लिख दीजिए बीटा टू वन पॉइंट फाइव वन और इसको आप वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया वेटेड एवरेज बीटा अल्टीमेटली वही है ठीक है टेबल बनाने से प्रेजेंटेशन का सवाल है सिर्फ सुनो मेरी बात समझो पोर्टफोलियो बीटा निक तो हमारे कैलकुलेटर में भी हो सकता है मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं बच्चों कि मुझे आपको पास करवाना आपको नंबर दिलवाने ठीक है तो सर पोर्टफोलियो का बीटा आया 1.4, इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है अगर इंडेक्स इंडेक्स बोलूं निफ्टी बोलूं सेंसेक्स बोलूं मार्केट बोलूं एक ही बात है। अगर मार्केट चेंज होगा दस परसेंट से तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू चेंज होगा फोर्टीन परसेंट से यहां तक कोई समस्या क्या सर यहां तक तो कुछ था ही नहीं डेरिवेटिव में क्या काम है बस इतना बता दो चलो अब शुरुआत होती क्या पोर्टफोलियो बीटा समझ में आ गया यस अब ध्यान से मेरी बात सुनना अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं अब इंपॉर्टेंट है अभी तक सुना कि नहीं सुना मैं नहीं जानता सो भी गए तो उठ जाओ गुड मॉर्निंग अब सुनना ध्यान से। तीज मुझे आपके साथ की जरूरत है बिल्कुल ध्यान से समझोगे मेरी बात टाइम लूंगा इसको समझाने में क्योंकि एक बार समझा दिया ना तो समझ लो बीस पच्चीस क्वेश्चन आपसे बन गए ये लो सर और ये है आप और आपके पास रिलायंस के शेयर है आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हैं सर कितने रुपए के शेयर रखे हैं पांच लाख रुपए के शेयर रखे है। सर नाम क्या है हमारा राम और रिलायंस का बीटा बीटा है टू ठीक है यहाँ तक ठीक है सर तो राम बहुत खुश राम के पास पोर्टफोलियो इसको मैं वैल्यू पोर्टफोलियो बोल दू सर रिलायंस भर का तो शेयर है दिक्कत क्या है रिलायंस ही मेरा पोर्टफोलियो एक ही कंपनी मैंने शेयर लगा रखा दिस इज वैल्यू पोर्टफोलियो कितना है पांच लाख और मेरे पोर्टफोलियो का बीटा इसको बोलता हूँ बीटा पोर्टफोलियो कितना है टू यहाँ तक तो कोई समस्या कि नहीं तो राम के पास रिलायंस कंपनी के शेयर रखे हुए है ये ले लो। राम के पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं और कितने रुपए के शेयर्स रखे हुए पांच लाख राम बहुत कुछ और उसका बीटा कितना है टू बीटा टू है इसका मतलब कास कोई समझा दी सर समझाना क्या हम बता रहे बीटा टू का मतलब अगर मार्केट गिरेगा दस परसेंट से दस परसेंट बोल रहा हूँ एक की जगह दस बोलो मार्केट गिरेगा दस से तो रिलायंस भी गिरेगा दस से नहीं बीस से गिरेगा बीस से और मार्केट बढ़ेगा दस से तो रिलायंस भी बढ़ेगा दस से नहीं बीस से बढ़ेगा अच्छा डबल रिस्क है डबल ये परसेंट का फ्लक्चुएशन किसमें मार्केट में तो यहां कितने परसेंट का बीस परसेंट का ठीक है सर ये बात तो हमको समझ में आ गई अब आगे बोलो क्या बोल रहे हो राम को ऐसा लग रहा है आने वाले महीने में मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है और दस परसेंट से गिर जाएगा दस परसेंट से गिर जाएगा क्या गिरेगा उसको लग रहा कि गिरेगा दस परसेंट का छोड़ो गिरने वाला है चलो तो दस परसेंट अभी लिख दिया बाद में नहीं लिखूंगा दस परसेंट से गिर जाएगा दस परसेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि आप कहोगे फिर दस पे भी ऑब्जेक्शन ले लो जबरदस्त गिरने वाला सर मार्केट गिरने वाला है कि मतलब मतलब ये लो यार सेंसेक्स गिरने वाला है मार्केट से किससे ना अच्छा लगता है मार्केट गिरने वाला है या फिर क्या बोल दू मैं इसको सेंसेक्स डाउन होने वाला चलो राम को क्या लग रहा है राम को लग रहा है कि मार्केट डाउन होने वाला तीन महीने बाद अभी क्या चल रहा है बोले अभी राम ऐसा लग क्यों रहा है तो राम का ये कहना है देखो भाई इलेक्शन है सामने और इलेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा राम को ऐसा लग रहा कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने वाला मतलब तीन महीने बाद भूचाल आने वाला कुछ ना कुछ और जो मार्केट है वो गिर जाएगा नो no डाउट मार्केट फिर ठीक ठाक हो जाएगा कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा उसकी लेकिन यहां जो है तीन महीने में मार्केट डाउन हो जाएगा तो राम आप क्यों चिंता कर रहे हो आपके पास तो शेयर रिलायंस के है ना उसमें क्या तकलीफ क्या तकलीफ ये है कि कि मार्केट गिरा तो गिर जाने तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं पर मार्केट की वजह से क्योंकि बीटा क्या है हमारा टू मार्केट अगर दस परसेंट से गिरेगा तो सुनो रिलायंस भी अछूता नहीं रह जाएगा रिलायंस भी गिरेगा याद रखो बिट्टे सर एक्चुअल में ऐसा होता है सुनो अगर निफ्टी सेंसेक्स डाउन होता है तो हम कहते पूरा मार्केट क्रैश हो गया मार्केट में क्या रिलायंस बचेगा नहीं रिलायंस भी तो मार्केट के अंदर ही है अच्छा सर इसलिए राम परेशान राम को पता है हालांकि उसको मालूम है रिलायंस का शेयर होल्ड कर रखा हूं मार्केट क्रैश होने के बाद उठेगा पर पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा भगवान ही जानता है बस राम परेशान है क्या करूं भगवान मेरा जो पाँच लाख का अभी जो वैल्यू दिख रहा है पोर्टफोलियो तो ये ना डाउन हो जाएगा लॉस हो जाएगा और डबल लॉस हो जाएगा जितना मार्केट में लॉस होगा उससे डबल हो जाएगा तो अब राम बोलता क्या करूं मैंने कहा बेच दो भैया बेचने में क्या तकलीफ है आपको बेच दीजिए तो राम बोलता बेच तो दूं रिलायंस um, का यार शेयर अच्छा मैं जानता हूं राम बोल रहा मैं जानता हूं आज नहीं तो कल फ्यूचर में आज से दो साल बाद रिलायंस मुझको कमा कर देगा अच्छी कंपनी है सर अच्छी कंपनी मैंने कहा तो होल्ड करके रखो दिक्कत क्या है होल्ड करने में क्या दिक्कत है बोले होल्ड करने में दिक्कत तो बता रहा हूं ना क्रैश हो जाएगा तो बोले यहां थोड़ी ना बेचने वाले और बोले क्रैश हो गया फिर उठा ही नहीं तो दिक्कत ये है ना हमने कहा यार राम बिल्कुल परेशान कर दिया आपने मतलब आप ये बताओ कि क्या करना चाहते हो समझ में नहीं आता आप बेचना नहीं चाहते हमने कहा और एक तरीका है अभी बेचो और जब मार्केट डाउन हो जाएगा ना तब खरीद लेना भाई उसके बाद जैसे उठने को चालू होगा ना तब खरीद लेना बोले उसमें बेचने और खरीदने में पता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लगता है मैं बेचूंगा उस पे ब्रोकरेज लगेगा मैं खरीदूंगा उसके में ब्रोकरेज लगेगा बोले मैं ये, ये मुझे इसमें भी मज़ा नहीं मुझे और कोई बचने का रास्ता बता दो क्या लगने वाला अभी तो बताया कि ये डाउन होने वाला मार्केट ये डाउन होने वाला ना हाँ तो चलो मार्केट में खेलते इस बात का डर है मार्केट कम ना हो जाए तो हम क्या करें जिस बात का डर जिस बात का डर उसी में उसी में शर्त लगाना यही होता है हैच हैच का मतलब यही है बस काश ये एक लाइन आपके समझ में आ गया ना तो मुझे कुछ नहीं करना जिस बात का डर किस बात का डर कहीं मार्केट कम ना हो जाए चलो वही शर्त लगाते ठीक है सर लगा लेते शर्त जो होगा देखेंगे सर शर्त किस साइड बोले हमको किस बात का डर है कम होने का ना तो चलो हम डाउन साइड बैटिंग करते डाउन साइड बैटिंग हम निफ्टी फ्यूचर में डाउन साइड बैटिंग कर लेते हैं हमने कहा पैसा कितना लगाना है बोले वो आप पर डिपेंड करता नहीं मैंने कहा मुझे पूरे लॉस से बचा दो भगवान तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ रुक जाओ सोचते अब मैं सोच रहा हूं अगर मैं कहता हूं मान लो चलो छोड़ो ना यार अभी और बीटा मान लो वन होता टू की जगह वन क्योंकि मुझे समझाना है ना इसलिए अगर बीटा वन होता तो सर बीटा वन होता दोनों बराबर एक बढ़ता दूसरा भी बढ़ता एक गिरता दूसरा गिरता ठीक है तो हमने यहाँ पांच लाख रुपए का डाउन साइड बैटिंग शॉर्ट पोजिशन लिया शॉर्ट पोजिशन बोलते ले लिया हमने शर्त लगा दिया और किस में शर्त लगाया हमने कहा भाई ऐसा है तीन माह बाद शर्त लगाते हैं कि जो मार्केट है वो गिर जाएगा निफ्टी जो गिरेगा लगा लिया शर्त और हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे सर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्लीज बोलो और सर कैसे प्रार्थना करें समझ में नहीं आ रहा अगर हम बोलते भगवान प्लीज मार्केट गिरा दो हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा पर इधर लॉस हो जाएगा हम कहेंगे नहीं प्लीज भगवान मार्केट मत गिराइए मार्केट बढ़ा दो बढ़ा दो तो इधर तो प्रॉफिट हो जाएगा स्टॉक में स्टॉक में पर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में डाउन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर और कुछ नहीं है फ्यूचर में स्टॉक इंडेक्स में खेल रहा हूं चलो करके देखते ना और वाकई दस परसेंट से गिर गया दस परसेंट से डाउन हो गया जैसे ही दस परसेंट से डाउन हो गया तो बोलो मुझे यहां प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का सर पचास हजार का प्रॉफिट और यहाँ क्या होगा सर लॉस होगा क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ये भी तो गिरेगा और यहां लॉस कितने का होगा पचास हजार नो डाउट मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो जाएगा चार लाख पचास हजार पर इधर से मुझे पचास हजार कैश भी तो मिल जाएगा कैश सेटलमेंट इधर से पचास हजार जीत जाऊंगा मैंने कहा गिर जा तो लोग बोलते यार शेयर का प्राइस गिर गया शेयर का प्राइस गिर गया साढ़े चार लाख हो गया मैंने कहा कोई बात नहीं कैश मिल गया मुझको पचास हजार ये लो डाल दिया खुश हो गया ना पांच लाख अच्छा सर ये बात है सर सुनो 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 अगर दस परसेंट बढ़ जाता तो तो ओहो मेरा पोर्टफोलियो पांच लाख की जगह हो जाता पांच लाख पचास हजार लेकिन यहाँ शर्त हार गया तो मुझे जेब से निकाल के पचास हजार देना पड़ेगा तो मुझे कैश चला जाएगा पचास हजार तो मेरा पोर्टफोलियो में कैश भी इंक्लूड है तो मैं कैश यहाँ से कम कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो पाँच लाख का पाँच लाख ही किसी भी हालत में ना तो मुझे प्रॉफिट होगा कुछ लोगों कह कुछ लोगों का ये भी कहना सर लॉस नहीं होगा ठीक है प्रॉफिट भी तो नहीं होगा अगर मान लो मार्केट बढ़ गया क्यों टाइम पास भाई मैं प्रॉफिट कमाने के की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उन तीन माह की जो मुसीबत आने वाली है एक बार वो मुसीबत टल जाए उसके बाद कमा लेना हम कमाने के लिए तो काम ही नहीं कर रहे है। हम हैच कर रहे हैं क्या लॉस है नहीं सर लॉस तो नहीं तो बस प्रॉफिट की बात ही कौन कर रहा है ठीक है सर ठीक है यहाँ तक काफी कुछ सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने स्टॉक्स होल्ड करके रखा है तो हम ये सोच रहे क्या सोच के हमने स्टॉक्स होल्ड कि प्राइस बढ़ेगा पर मार्केट क्रैश हो सकता है और मार्केट क्रैश हो सकता है तो उसका इफेक्ट स्टॉक्स पे भी पड़ेगा तो भाई जिस बात का डर है हमें डर है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो चलो हम डाउन साइड पोजिशन ले लेते हैं हम शॉर्ट पोजिशन ले लेते हैं और हमने उतना पैसा लगा दिया अगर मार्केट डाउन होता है तो नो no डाउट हमें लॉस होगा किस पे स्टॉक्स पे लेकिन हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा किस पे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पे इस तरह से हम हैज कर लेंगे किसको स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हमने हेज कर लिया अपना रिस्क ठीक है सर काफी कुछ काफी कुछ समझ में आया ऐसे नहीं इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले अभी कुछ समझ में नहीं आया अभी मैंने कहा ना अभी और बात होगी ठीक है सर और बात करते चलो जी अब सुनना ध्यान से बच्चों ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो अगर बीटा होता यहां बीटा ऑफ रिलायंस होता है टू तो बोलो इसमें आप कितना पैसा लगाते किसमें मार्केट में कितना पैसा लगाते अगर बीटा होता तो सोच के बताना वैसे मार्केट का बीटा क्या होता है मार्केट का बीटा बीटा ऑफ मार्केट बीटा ऑफ फ्यूचर बोल दो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। इसका वन ही होता है इसका वन का मतलब समझ रहे हो ना ठीक है ना सर वन का मतलब समझ के वन का मतलब इसको बेस लिया ना बेस बेस को तो वन लेना पड़ेगा ना बेस ठीक है बताओ इधर कितना पैसा लगाते मैं ऐसे भी कॉमन सेंस लगाते दो बीटा के लिए पांच लाख एक बीटा के लिए ढाई लाख सर ढाई लाख लगाते है? नहीं ना बेटे और सोचो क्या सोचिए सर बस मेरा कितना ये कहना है कि यहाँ कितना पैसा लगाए फिर से यहां कितना पैसा लगाए याद रखना ये दस परसेंट से डाउन होगा तो ये दस से नहीं बीस परसेंट से डाउन होगा कितना पैसा लगाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस इट मीन्स इट मीन्स अगर ये पाँच लाख पाँच लाख बीस परसेंट से डाउन होता है तो यहां कितना पैसा लगाए कि यहां जो लॉस होने वाला है यहां उतना ही प्रॉफिट हो जाए सोच समझ के जवाब देना आपको यूनिट्री मेथड लगाना यूनिट्री मेथड लगाओ कोई दिक्कत की बात नहीं आपको जैसे करना है पांच लाख का बीस परसेंट कितना है एक लाख ठीक है ना, ना सोचो ना बेटे सोचो सोचोगे तो काम होगा यहां कितना पैसा लगाऊं कि यहाँ जितना लॉस हो रहा है यहां जितना लॉस हो रहा है उतना ही यहाँ प्रॉफिट हो जाए लगा सकते हो दिमाग सर दस लाख बिल्कुल सही आपके पास बहुत सारे तरीके इट मीन्स क्या करना चाहते इट इटमीन्स आप कुछ नहीं करोगे आप एक्स लेकर भी करते हो तो काम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले के डेरिवेशन पे जाने के चक्कर में नहीं हूं मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा जाओ पर अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो भी बात समझ में जाएगी पांच लाख एक बार करके देखो फिर देखते हैं मान लो सर यहाँ दस परसेंट गिरा दस परसेंट गिरा तो दस लाख का दस परसेंट कितना होता है सर यहाँ ये दस परसेंट गिरेगा तो ये बीस परसेंट से गिरेगा तो पांच लाख का बीस परसेंट कितना हो गया सर लाख लाख रुपए रुपए का का लॉस हो जाएगा तो यहां हमें कितना एक का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा बात अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है एक लाख डिवाइडेड बाय दस परसेंट तो सीधा दस लाख आ गया पर सुनो मैं ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं पांच लाख है मेरा पोर्टफोलियो इसका बीटा कितना है टू टू ना बीटा है पांच लाख मार्केट का बीटा कितना है वन इन दोनों को इक्वल करना है ये इज इक्वल टू ये आराम से हो सकता ना यार मैं कहता हूं लाख इंटू वन ये इज इक्वल टू ये करना है आपको इसका बीटा आपको मालूम है तो इसका तो आप निकाल ही सकते हो ना सर सीधा बोलो ना कि यहां कितना पैसा लगाना ये कैलकुलेट करना यही कैलकुलेट करना इसी में टाइम लगेगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी बीटा से मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर ले आओ बात खत्म अच्छा सर बात बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल सिंपल है चलो फिर से सोचते फिर से सोचते मेरा बस इतना क्वेश्चन है अभी मेरा मेन पॉइंट क्या है मेन पॉइंट ये है कि यहाँ कितना पैसा लगाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस परफेक्ट बोलते इसको परफेक्ट हैजिंग ठीक है सर कोशिश करते हैं अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होता 1.5 तो बताओ निफ्टी में या मार्केट में कितना पैसा लगाते जल्दी से सोच के बताना सर सोचना क्या पांच लाख इंटू वन पॉइंट फाइव पांच लाख तो सर हम लाख रुपए लगाते सही सात लाख रुपए चलो गिरा कर देखते हैं सर इसका मतलब अगर ये दस परसेंट से डाउन होता तो ये पंद्रह परसेंट से डाउन होता अगर ये पंद्रह परसेंट से डाउन होता तो इधर लॉस होता पांच लाख इंटू पंद्रह परसेंट सर पचहत्तर हजार रुपए का लॉस हो जाता और यहां पचहत्तर हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है सर तो फाइनली ये समझ में आया कि हमें मार्केट में कितना पैसा लगाना है इसके लिए एक फॉर्मूला बन सकता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा पोर्टफोलियो से ठीक है ठीक है सर तो साढ़े सात लाख रुपए हमें किस में लगाना निफ्टी में अब मैं आपसे कुछ और बातें करूं मैं आपसे कहूं कि एक निफ्टी का जो प्राइस है वो दो सौ पचास रुपए है एक निफ्टी एक निफ्टी का प्राइस है दो सौ पचास तो बता सकते हो साढ़े सात लाख रुपए में कितना निफ्टी आ सकता है निफ्टी में कितना पैसा लगाना है साढ़े सात लाख मेरा फिर से क्वेश्चन एक निफ्टी है ढाई सौ रुपए का तो साढ़े सात लाख रुपए में कितना निफ्टी आएगा तो सर ये क्या है सर ये तो टाइम पास हुआ अभी बताते हैं बिल्कुल तो, तो इसको ऐसे कर लेंगे ना साढ़े सात लाख डिवाइडेड साढ़े सात लाख कैसे आया सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीस डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 250 तो नंबर ऑफ निफ्टी आ जाएगा सात लाख पचास हजार डिवाइडेड बाय 250 तो सर तीन हजार निफ्टी या तीन हजार शेयर्स भी बोल दो तो सर कोई बात नहीं है शेयर्स भी शेयर्स ही बोल रहा हूँ मैं शेयर्स में आप और हो गए सर शेयर्स कैसे शेयर्स की तरह होता है यहाँ आ जाएगा तीन निफ्टी हम खरीद सकते तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ फिर से कोशिश करते हमारा पोर्टफोलियो कितने का पांच लाख इसका बीटा कितना है तो हमें हेज़ करना है तो हमें निफ्टी में कितना पैसा लगाना पड़ेगा साढ़े सात लाख ढाई सौ रुपए का एक निफ्टी तो कितना तीन हजार निफ्टी ठीक है यहाँ तक अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि कभी भी ना लॉट में खरीदना पड़ता और एक लॉट में मान लो पचास निफ्टी होती एक लॉट में पचास निफ्टी तो कितने लॉट खरीदे जा सकते कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सर तीन हजार डिवाइडेड बाई फिफ्टी पचास तीन हजार डिवाइडेड बाई फिफ्टी तीन हजार डिवाइडेड बाई फिफ्टी तो सर सिक्सटी लॉट साइज लॉट सिक्सटी लॉट्स एग्जाम में ये आता है इसलिए मैं मेहनत करवा रहा हूं फाइनल हुआ हाँ बोलो हाँ आज हाँ फाइनल हो गया सोचिए एक बार मैंने क्या निकाला है सर आपने निकाला मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब धीरे से अब लिखकर पूछूं क्या यस तो यही चीजें पूछूंगा अगर मैं आपसे लिखकर पूछता आपसे ये पूछता कि देखो भाई मेरा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है पांच लाख का और बीटा पोर्टफोलियो कितना है वन पॉइंट फाइव ठीक है ठीक है सर और निफ्टी का प्राइस है प्राइस फ्यूचर प्राइस ऑफ निफ्टी है कितना था दो सौ पचास और लॉट साइज कितना लॉट साइज लॉट साइज को मालूम है क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर है पचास निफ्टी लॉट साइज है पचास तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ लॉट्स बता सकते हो परफेक्ट हेजिंग के लिए परफेक्ट परफेक्ट हेजिंग का मतलब कि भाई मुझे ना रिस्क जो है ये जो बीटा है बीटा बीटा वो जीरो रखना है जीरो 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 बी, बीटा का मतलब बीटा का जीरो का मतलब चाहे बढ़े चाहे कम हो मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं पाँच लाख था पाँच लाख ही रहेगा अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी मेरा पोर्टफोलियो पांच लाख ही रहेगा अगर मार्केट कम होगा तो भी मेरा पोर्टफोलियो पांच लाख ही रहेगा इसको बोलते हैं बीटा परफेक्ट है तो बताइए प्लीज कि मैं कितने लॉट खरीदू किसका कितने लॉट पे बैटिंग करूं किस पे बैटिंग करना है निफ्टी पे बताओ कितने निफ्टी पे मैं बैटिंग करूं लॉट को मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलता हूं कितने कॉन्ट्रैक्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट कर मुझे 60 निकालना है और 60 आपने कैसे निकाला आपने तोड़ तोड़ के निकाला आपने पहले वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई किससे कर दिया बीटा पोर्टफोलियो ऊपर वाला पोर्शन आ गया फिर डिवाइड किससे किया पहले किससे डिवाइड किया 250 से फिर डिवाइड किससे किया 50 से वही मैं भी करूंगा क्या करूंगा सर तो देखो मैं भी वही कर पांच लाख इंटू वन पॉइंट फाइव साढ़े सात लाख डिवाइडेड दो सौ पचास इंटू दो सौ पचास इंटू पचास अलग अलग क्यों डिवाइड कर रहे हैं पहले दो सौ पचास से पचास से दो सौ पचास तो आंसर कितना जाएगा आंसर सिक्सटी तो आएगा सिक्सटी ही तो आएगा और सिक्सटी हमें क्या करना पड़ेगा लॉन्ग की शॉर्ट अपसाइड की डाउनसाइड डाउनसाइड बैठे हम इसको ऐसे नहीं लिखते हम इसको ऐसे भी लिखते हैं आपके आईसी आई ने ऐसे भी लिखा है फॉर्मूला आई का फॉर्मूला क्या हो गया सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन टू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय ये क्या है ये एफ है एफ का मतलब फ्यूचर प्राइस और ये क्या है ये है मल्टीप्लायर खत्म क्या निकल के आएगा सिक्सटी लॉट्स इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्सटी सिक्सटी कॉन्ट्रैक्ट्स लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमें मार्केट में कितना शॉर्ट पोजीशन लेना है कि लॉन्ग पोजीशन लेना है सिक्सटी आई ऐसे समझ में आता नहीं तो हम ऐसे करते हैं हम देखो हम क्या करते हैं हम फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वेक्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा पोर्टफोलियो सर 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 ये क्या चीज है समझा रहा हूं समझा रहा हूं डिवाइडेड बाय एफ इन टू एम इंटू बीटा ऑफ फ्यूचर सर फिर एक तो फॉर्मूला हमें आधा समझ में नहीं आया आएगा बोलो कितना है पांच लाख टारगेट बीटा का मतलब मतलब हमें जीरो परफेक्ट हैच जी करना है हमें रिस्क पूरी तरह से खत्म करना है बीटा जीरो रखना है और माइनस क्या कर दो वन पॉइंट फाइव सर तो बात तो वही हुई इसमें और इसमें अंतर क्या है बस इसमें जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा वही तो मैं बोल रहा हूं अगर माइनस में आया तो शॉर्ट और प्लस में आया तो लॉन्ग एक आइडिया तो रहेगा और दूसरी बात आने वाले क्वेश्चन में कभी ऐसा भी आता कि हम परफेक्ट हैज नहीं करना चाहते हम बीटा रखना चाहते और बीटा वन रखना चाहते वन बीटा रखना चाहते मैं एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगा वो चीज बीटा वन रखना चाहते हमारा टारगेट बीटा वन है हम 1.5 मतलब ज्यादा रिस्क हम रिस्क पूरा खत्म नहीं करना चाहते थोड़ा रिस्क लेना भी चाहते हैं हम प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इससे टारगेट बीटा टारगेट बीटा कुछ ना बोला था जीरो फ्यूचर कितना है दो मल्टीप्लायर का मतलब लॉट साइज और बीटा फ्यूचर का मतलब मार्केट का बीटा बेस और बेस तो वन ही लेते हैं सर इसको ना भी लिखे तो चल जाएगा ना भी लिखो तो चल जाएगा पर कभी कभी बीटा फ्यूचर दे दिया तो एक्चुअली क्या होता है मार्केट का बीटा जनरली जनरली क्या होता है पर रिलायंस फ्यूचर होगा सर ना ना भी लिखो तो चलेगा ना, चल जाएगा अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो पर जहां सी एफ लेवल पे बात आ जाएगी तो खैर हमको क्या करना हमें तो सीए पास करना खत्म ठीक है सर ये क्या निकाल रहे हैं सर ये हम क्या निकाल रहे बस और अभी तक क्या पढ़ा काफी टाइम का लेक्चर हो गया है आधा घंटे से मैं समझा रहा हूं तो अभी इस आधा घंटा में हमने क्या पढ़ा बस सुनना हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमने कोई पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा है और हमें ये डर है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्रैश हो सकता है अगर हम मार्केट क्रैश होगा तो मेरे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा उससे मुझे बचना है एक काम है बेचो और बाद में खरीदो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा उसकी अपेक्षा जिस बात का डर है डर किस बात का है कहीं वैल्यू कम ना हो कहीं इंडेक्स कहीं मार्केट गिर ना जाए तो चलो उसी में हम बैटिंग कर लेते हैं शॉर्ट पोजीशन ले लेते मेरा ऑलरेडी मैंने शेयर खरीद के रखा क्या सोच रहा हूँ क्या प्राइस बढ़ेगा मतलब मेरा ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है स्टॉक में स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन तो उसको काटने के लिए मैंने शॉर्ट पोजिशन लिया सीधी सी बात है ऐसे ही होता है लॉन्ग पोजीशन मेरा ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो मैंने इधर कौन सा पोजीशन ले लिया शॉर्ट पोजीशन पोजीशन अपोजिट लेना पड़ता है H करने के लिए ठीक है, ले लिया तो अब मुझे मालूम है मार्केट गिरेगा तो नो no डाउट मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा और नो no डाउट मेरे पोर्टफोलियो में मुझे लॉस होगा पर मार्केट के गिरने से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और उतना कैश मुझे मिल जाएगा जितना मेरा लॉस हो रहा है बात करना ठीक है जी Okay. अब यार एग्जाम में ही आता कि भैया कितना अमाउंट लगाओगे वो नहीं आएगा कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप शॉर्ट करोगे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओके okay? एक बार रीड करें हाँ सर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया एक बार रीड कर दे बीटा मैनेजमेंट नाम क्या है या क्या बोल सकता हूं हैजिंग थ्रू स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर मतलब कंप्लीटली बीटा मैनेजमेंट सर नाम क्यों है इसका यहां भी बीटा मैनेजमेंट पढ़ना है एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके चैप्टर उसमें भी बीटा मैनेजमेंट पढ़ना है ठीक है जी तो नाम तो ये है, हैजिंग करना हैच कर रहे किसके थ्रू हेज कर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक इंडेक्स का मतलब निफ्टी या सेंसेक्स निफ्टी या सेंसेक्स के थ्रू हम हैच करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है पढ़ते हैं वी नो दैट बीटा इज अ रिलेशनशिप स्टॉक एंड मार्केट कोई दिक्कत नहीं है ये तो हमको वैसे भी है सपोज वी होल्ड स्टॉक ऑफ रिलायंस कितने का पांच लाख का तो पोर्टफोलियो आपके पास कितने रुपए का है पांच लाख का पोर्टफोलियो पांच लाख का है रिलायंस मतलब एक ही जगह आपने पैसा लगाया वो भी आपका पोर्टफोलियो ही हुआ और बीटा कितना है वन तो इसका मतलब है हम अनुमान हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो क्या होगा बढ़ेगा इसलिए तो हमने होल्ड करके रखा पोर्टफोलियो बढ़ेगा बट इट मे बी पॉसिबल दैट कि मार्केट क्या हो सकता है गिर सकता है वी अफ्रेड फ्रॉम मार्केट फॉलिंग एंड वी वॉन्ट टू हैज द रिस्क ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भाई इस रिस्क को हम हैच करना चाहते इससे कभी थ्योरी नहीं आएगा तो आप कहोगे कि सर हमें याद कैसे रहेगा थ्योरी याद थोड़ी नहीं करवा कॉपी में आप खुद लिखते हैं मैं तो ये लिखा हुआ है। तो अब हैच करें तो कैसे करें तो इन ऑर्डर टू हैज रिस्क वी है डिक्रीज करना पड़ेगा तो हाँ आप वन पॉइंट फाइव से 1 कर दो अब जीरो करो ना मैंने जीरो कर दिया था टेक शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा किस पे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पे मतलब डाउन साइड बैटिंग करना पड़ेगा अपोजिट लेना है आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है लॉन्ग तो आपको क्या लेना पड़ेगा शॉर्ट अगर ऐसा करते तो क्या होगा सपोज मार्केट गिरेगा मार्केट विल फॉल देन वी लूज ऑन अ लॉन्ग पोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो नो डाउट लॉन्ग पोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो बट हम प्रॉफिट बना लेंगे किस पे शॉर्ट पोजिशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड ऑफ स्टॉक इज कैलकुलेटेड एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्या इसको मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कशन कर दिया यस yes. तो so, क्या डिस्कशन हुआ था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टारगेट बीटा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एफ मतलब फ्यूचर प्राइस M का मतलब मल्टीप्लायर और बी एफ का मतलब फ्यूचर मार्केट अगर इसके विषय में कुछ ना बोले तो जीरो ले लेना इसके विषय में कुछ ना बोले तो वन ले ले लिया। तो ये टारगेट बीटा बीटी का मतलब टारगेट बीटा इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन एजियम जीरो मतलब हम क्या मान के चलेंगे हम मान के चलेंगे कि परफेक्ट है ठीक है मल्टीप्लायर लॉट साइज है बीटा ऑफ फ्यूचर बीटा ऑफ फ्यूचर ना दिया हो तो ना दिया हो देगा ही नहीं तो आप वन ले लेना मैंने कहा ना ये आपके पास ऑप्शन है इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं सर से समझाओगे कि और अच्छे से है चलो एक एग्जाम्पल तो बनता है भाई एक एग्जाम्पल बनता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक एग्जाम्पल बनता इसके बिना काम नहीं होगा तो एक बार काम करें फंड मैनेजर है आपके पास एक सौ पचास लाख का बॉन्ड्स है और उसका बीटा है पॉइंट एट सर बॉन्ड्स का बीटा भी होता है होता है बट बॉन्ड्स पूरी तरह से रिस्क फ्री होता मैं ये नहीं कहूंगा सर बॉन्ड्स किसके कंपनी के बॉन्ड्स इक्विटी है तीन सौ लाख उसका बीटा है चार कैश का कोई बीटा नहीं होता मार्केट में कुछ भी इधर उधर क्यों ना जाए तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो कितने का है सर ये पाँच सौ तो लाख का पोर्टफोलियो है ठीक है जान लगा देना इसको समझने के लिए अगर ये समझ में आ गया तो आने वाले क्वेश्चन में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी निफ्टी फ्यूचर जो है उसका फ्यूचर फ्यूचर प्राइस प्यूश है फाइव सेवन फाइव जीरो और लॉट साइज कितना है फिफ्टी तो फंड मैनेजर को एक्सपेक्ट है कि मार्केट क्या होने वाला क्रैश होने वाला आपका ऑलरेडी कौन सा पोजिशन है आपका लॉन्ग पोजिशन है फाइंड आउट द ऑफ़ पोर्टफोलियो एंड इंटरप्रेट द सेम बीट ऑफ़ पोर्टफोलियो निकालना वेटेड एवरेज दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस चलो पहले बीट ऑफ़ पोर्टफोलियो निकालते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सर कैश भी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होता है कि हाँ बाकी एकाद एक आध एक क्वेश्चन में आई सी ने एज्यूम किया कि कैश पार्ट नहीं वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कैश पार्ट है हंड्रेड परसेंट तो सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल एक सौ पचास इंटू पॉइंट एट सर इसको आप उसमें बनाओ ना आप ही तो बोल रहे थे कि टेबल में बनाएंगे टेबल में बनाएंगे अभी एग्जाम्पल को क्या टेबल में बनाए भाई ठीक है सर तीन सौ इंटू चार पचास इंटू जीरो डिवाइडेड बाय एक सौ पचास इंटू पॉइंट एट एम प्लस तीन सौ इंटू चार एम प्लस डिवाइडेड बाय पास टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर का मीनिंग मतलब चाहिए वो भी लिख देते इंटरप्रिटेशन फ मार्केट चेंजेस बाय टेन परसेंट मार्केट दस परसेंट चेंज होगा देन पोर्टफोलियो विल चेंज बाय कितना 24 ट्वेंटी ठीक है यहाँ तक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बीटा पोर्टफोलियो आराम से कम हो जाता है अब अब अब, अब इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर टू हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट और सोल्ड टू अचीव अ बीटा पॉइंट फाइव मतलब टारगेट बीटा बीटा टारगेट 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 पॉइंट फाइव हमको अचीव करना है और ठीक टारगेट बीचा कि, कि, कितना अचीव कितना करना पॉइंट फाइव अब देखना ध्यान से पॉइंट नंबर टू टारगेट बीटा पॉइंट फाइव नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट धीरे-धीरे याद हो जाएगा चिंता मत करो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ एम बीट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है पांच सौ लाख टारगेट बीटा कितना रखना है पॉइंट फाइव और बीटा पोर्टफोलियो कितना है टू पॉइंट फोर मतलब सर एफ का का मतलब फ्यूचर प्राइस मतलब दिया है क्या यस फाइव सेवन फाइव जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फोर इंटू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव सेवन फाइव जीरो कर दो क्योंकि सब रुपीज इन लैक्स में ये तो पॉइंट डबल जीरो थ्री थ्री जीरो आ रहा इन तो है इंटू एक लाख करना पड़ेगा तो थ्री थ्री जीरो क्या माइनस में आया माइनस में थ्री थ्री जीरो पॉइंट फोर तो थ्री थ्री जीरो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सर राउंडेड ऑप किस तरफ करना है तीन सौ इकतीस करना थ्री थ्री वन करना कि थ्री थ्री जीरो वो डिपेंड करता है कि पॉइंट uh, फाइव से ऊपर है तो थ्री थ्री वन पॉइंट फाइव से नीचे तो थ्री थ्री जीरो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हमको राउंडेड ऑप में फुल लेना है कि नहीं लेना थ्री थ्री जीरो कॉन्ट्रेक्ट क्या हो गया शॉर्ट सर शॉर्ट हुआ इतना ही पूछेगा लेकिन मैं आपको कुछ स्पेस कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करूंगा आप ध्यान से समझना कुछ एक्स्ट्रा इसको मैं सब करके बताऊंगा सर क्या क्या बोल रहे हैं सर अब ये जो हो रहा है नाट इसको प्रूव करके बताऊंगा कि देखो बीटा अचीव पॉइंट फाइव ही हुआ अब ध्यान से समझना दो चीजें उस एक सेकेंड ऐसा किसी क्वेश्चन में पूछा भी है कि मैं जबरदस्ती एक क्वेश्चन में शायद पूछा था चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे ठीक वो क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा अब सुनना सुनो मैं क्या बोल रहा हूं सुनो मैं कहता हूं अगर मार्केट वाकई

और सर एक तो हमारा कौन सा पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन इसको लिखोगे नहीं तो भी चल जाएगा और एक हमारा शॉर्ट पोजीशन एक लॉन्ग पोजीशन आपका किस में है सर स्टॉक में कितना पैसा लगा स्टॉक मे? में स्टॉक वगैरह में मतलब पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं बोलता पोर्टफोलियो बोलता क्योंकि फिर कहोगे कैश भी तो है आपका पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगा है? सर पोर्टफोलियो में हमारा पांच लाख रुपए लगा और इसका बीटा कितना पोर्टफोलियो का सर बीटा है 2.4 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं और आपने इसमें निफ्टी में क्या कर रखा शॉर्ट और निफ्टी में शॉर्ट कितना किया जरा सुनना सर 303 30 कॉन्ट्रैक्ट 330 कितना पैसा लगा है ये बताओ ना तो सर वो भी बता सकते हैं कोई दिक्कत थोड़ी है सर 330 कॉन्ट्रैक्ट है और एक एक निफ्टी तीन सौ तीस और टोटल मिलाकर पचास एक कॉन्ट्रैक्ट में पचास निफ्टी और सर निफ्टी का प्राइस कितना निफ्टी का प्राइस है फाइव सेवन फाइव जीरो फाइव सेवन फाइव जीरो तो टोटल हमारा रुपीज इन लैक्स थ्री थ्री ज़ीरो इंटू फिफ्टी इंटू फाइव सेवन फाइव ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक लाख कर देता हूँ तो टोटल यहाँ आपका लगा है 948.75 लाख रुपीस इन लाख्स डिवाइडेड बाय एक लाख कर दिया था ठीक एक बार फिर से चेक कर लूं क्या लैक कितना पैसा लगा है 0.5 2.4 500 950 लाख के आसपास लगा राउंडेड ऑफ में मैं इसको 950 लाख ले रहा हूं ठीक है फ्रैक्शन इग्नोर कर रहा हूं सीधा-सीधा 950 लाख कैसे आया 950 लाख 330 क्या निकला कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में पचास का फाइव सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाई कर दो फाइव हंड्रेड इंटू जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो नौ लाख आ गया ठीक है यहां तक ठीक है ठीक है अब सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुनोगे सुनोगे ध्यान से मार्केट दस परसेंट से गिरा बोलो गिरा गिरा अगर मार्केट 10 परसेंट से गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो बोलो 24 परसेंट से गिरा हाँ तो मेरा तो लॉस हो गया माइनस पाँच सौ इंटू इंटू चौबीस परसेंट तो सर 120 लाख का लॉस हो गया और इधर ये 10 परसेंट से गिरा यहाँ प्रॉफिट हो गया प्लस नौ नाइनटी फाइव लैक्स का प्रॉफिट हो गया तो उधर से मुझे शेयर स्टॉक एक्सचेंज से 95 में मिल जाएगा तो तो 120 95 तो भी मेरा 25 लाख रुपए का तो लॉस है ही पच्चीस लाख मेरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए से तो डाउन हो गई होगा कोई रोक नहीं सकता यार 500 लाख था 120 लाख कम हो गया सीधा सीधा कम कर लो 500 सौ माइनस एक तो पोर्टफोलियो का वैल्यू बचा 380 पर इधर से कितना मिल गया 95 प्लस नाइन्टी फाइव तो मेरा फोर सेवेंटी फाइव पोर्टफोलियो का वैल्यू बचा जबकि पहले कितना था पाँच सौ तो यार सर मुझको तो लॉस हो गया यस कितने का लॉस हो गया सर पच्चीस लाख का लॉस हो गया और कितना था पाँच सौ लाख था परसेंटेज में बताओ कितने का लॉस हुआ सर पच्चीस डिवाइडेड बाय पाँच सौ इन टू हंड्रेड सर मुझे तो पाँच परसेंट का डाउन हो गया बोलो क्या मार्केट डाउन हुआ यस कितने से दस से मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ कितने से दस से नहीं पांच से मार्केट दस परसेंट से और पोर्टफोलियो पांच ही परसेंट से तो बताओ बीटा कितना पॉइंट फाइव दिख रहा ना क्या बीटा बीटाशी हो गया यस मेन मुद्दे की बात यह है आईसीएआई इस एरिया पे कभी नहीं पूछता सवाल बस इतना सा आईसीएआई यहां यहाँ नहीं पूछता पूछता है अधूरा बोलता है बताओ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट किया है बस यहीं तक पूछता है ये दिक्कत आया कुछ समझ में थोड़ा सा मुश्किल है सर थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये मुश्किल नहीं है मुश्किल तो यह है पर यह तो आता ही नहीं है ठीक है ठीक है यहां तक ठीक है सर आगे चले तीसरा पॉइंट हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट आर सोल्ड फार फॉर कंप्लीट हैज कंप्लीट हैज कंप्लीट हैज का मतलब समझ रहे हो क्या करना है सर बीटा टारगेट टारगेट बीटा हमको जीरो रखना है जीरो बस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो पॉइंट नंबर कौन सा थ्री कंप्लीट हैज नाम हो सकता है परफेक्ट हैज हो सकता है कंप्लीट है हमें क्या निकालना हमें निकालना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूला है आपके पास वैल्यू पोर्टफोलियो कितना था पांच सौ लाख टारगेट बीटा कितना है जीरो माइनस टू पॉइंट फोर डिवाइडेड फ्यूचर का प्राइस कितना है फाइव सेवन फाइव जीरो जीरो इन टू फिफ्टी इंटू वन ठीक है तो सर पांच सौ इंटू टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव सेवन फाइव जीरो डिवाइडेड बाई फिफ्टी इंटू एक लाख कर देगी सर यस yes. तो ये आ गया 417 सत्रह कॉन्ट्रैक्ट और माइनस में आया तो क्या लिखेंगे शॉर्ट तो इसको भी हम सब्सटेंस सब्सटांसिएट करके देखे क्या वैसे तो जरूरत नहीं है पर कर लो क्या फर्क पड़ा दो चीजें जहां जगह पैसा लगा एक कहा पोर्टफोलियो कर लो भाई कर लो कम से कम आइडिया जो सीख रहे हैं ढंग से सीख ले और एक का मार्केट पैसा यहां कितना लगा है पांच सौ लाख यहां कितना लगा ये ऊपर वाला ही पांच सौ इंटू टू पॉइंट फोर बारह सौ लाख मार्केट गिरा दस परसेंट से तो ये गिरेगा कितने से चौबीस परसेंट से चलो डाउन कर लेते हैं इसको भी डाउन कर लेते हैं पाँच सौ लाख इंटू चौबीस परसेंट सर यहाँ माइनस हो गया एक सौ बीस लाख और यहाँ प्लस हो गया एक सौ बीस और एक सौ बीस एक सौ बीस बोलो क्या सर जीरो क्या यहाँ मेरा पोर्टफोलियो गिरा गिरा पाँच सौ माइनस एक सौ बीस पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया तीन सौ अस्सी पर इधर से मुझे स्टॉक एक्शन से मेरा कैश मिल जाएगा मैं जीता ना या तो एक कैश मिल जाएगा 120 तो टोटल मिलाकर वापस मेरा कितना हो गया 500 तो क्या कोई चेंज हुआ कोई चेंज नहीं हुआ जीरो सर इसको लिखेंगे कैसे क्यों लिखें लिखना ही नहीं एग्जाम में नहीं आता एग्जाम में जो आता वो तो मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं ये एग्जाम वाला पार्ट ये मतलब तो बेकार की बात ठीक है सर मजा आया लास्ट वाला पॉइंट भी कर ले लास्ट वाला पॉइंट अब 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 ध्यान से समझना है बच्चों अब काम की है हाउ मेनी निफ्टी फ्यूचर शुड बी बॉट और सोल्ड टू अचीव अ बीटा थ्री बताओ भाई साहब ये बोलता है रिस्क हमें वैसे तो परफेक्ट हैजिंग के लिए मालूम है इधर पैसा कितना लगाना चाहिए बारह सौ लाख उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए पर उस कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब मार्केट गिर सुना सुना चल रहा है फेश फेश में, कुछ बच्चों का चलता, वो क्या बोलते सुनो सर सुनो जब मालूम है ना कि मार्केट गिर रहा है हाँ तो आपने बचने के लिए बारह लाख लगाया बहुत अच्छी बात है सर पंद्रह लगाओ ना जब गिर ही रहा है तो प्रॉफिट भी कमा लो कुछ लोग ऐसे भी होते कुछ लोग कहते गिर रहा है तो बचने के लिए काम क्यों कर रहे हैं चलो ना और लगा दो प्रॉफिट भी कमा लो और अगर नहीं गिरा तो ये तो एस्टिमेशन है कि ऐसा होगा और मार्केट बढ़ गया तो खेल खत्म का मतलब क्या होता है मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता ना पर यहाँ जो है यहाँ एक बंदा मिल गया आप बच्चों के जैसा बोलता नहीं हमको प्रॉफिट कमाना है हम बीटा थ्री रखना चाहते बताओ कितना पैसा लगा है चलो देख लेते टारगेट बीटा कितना रखना है नंबर फोर सर टारगेट बीटा रखना है हमको थ्री सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर पांच सौ टारगेट रखना थ्री और अभी हमारा टू पॉइंट फोर ठीक डिवाइडेड बाय फाइव सेवन फाइव जीरो इंटू फिफ्टी इंटू वन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा थ्री माइनस टू पॉइंट फोर फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव जीरो डिवाइडेड बाय फिफ्टी इन एक लाख तो सर एक सौ चार कॉन्ट्रैक्ट और सुनो इस बार शॉर्ट नहीं इस बार लॉन्ग डबल रिस्क लॉन्ग ठीक अब सर इसको भी सबस्टांशिएट करके बताओगे कि हाँ बस आखिरी है तो इसको क्यों छोड़े चलो इसको भी करते दो सिचुएशन हो सकती है लॉन्ग आया प्लस में आया तो लॉन्ग माइनस में आया तो शॉर्ट इसलिए यहां टारगेट भी टेक है यूज टारगेट बीटा टे का यूज एक जगह आपने कहा पैसा लगाया है मार्केट और एक जगह कहा पैसा लगाया है सर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में डाउट ही नहीं है कि कितना लगा है पांच सौ लाख लॉन्ग पोजिशन लॉन्ग पोजिशन लिखूं क्या ज़रूरत नहीं यहां कितना थोड़ी सी दिक्कत है ऊपर वाला लिख लेता तो। हूँ थ्री माइनस टू पॉइंट फोर इंटू फाइव हंड्रेड लाख लिख लेता हूं भाई दोनों जगह लॉन्ग है यहाँ भी लॉन्ग है और यहाँ लोंग है और सुनो इसने कम पैसा लगाया कम तीन सौ लाख और वो भी लॉन्ग पोजीशन में लगाया जो मैं बोल रहा था ना वो थोड़ा सा गलत हो गया मैं परफेक्ट हेजिंग की बात कर वहां तो बारह सो क्या पंद्रह सो वो मैं जो बोल रहा था वो यहाँ नहीं है यहाँ तो भाई साहब इन्होंने उल्टे ही काम कर रखे रखा इनको मार्केट गिरा इसको इसको ये लग रहा होगा सर इसको क्या लग रहा होगा इसने लॉन्ग क्यों किया इसको लग रहा होगा मार्केट बढ़ेगा तो चलो ना खूब कमाते हैं इसलिए हो सकता है इसने ऐसा किया ये हैजिंग नहीं हो रहा है ये हैजिंग है ही नहीं एक्चुअल ठीक है यहां तक और मार्केट गिरा मान लो दस परसेंट से तो ये कितने से गिरेगा चौबीस परसेंट से तो क्या यहां लॉस हो जाएगा यस एक सौ बीस और समस्या यह है कि लॉस यहां भी हो जाएगा तीस तो सौ माइनस एक मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना बचा 380 और इसमें से भी कैश मुझे देना पड़ेगा -30. कैश चला जाएगा ना यार तीन सौ माइनस तीस तो 350 मेरा पोर्टफोलियो 350 लाख का बचा जबकि पहले कितने का था पहले था 500 लाख से 350 तो मुझे लॉस कितने से होगा एक लाख परसेंटेज में बोलो तो सर आपको लॉस हो गया एक सौ पचास लाख डिवाइडेड बाय पांच सौ लाख इन टू हंड्रेड एक सौ पचास डिवाइडेड का लॉस हो गया अब बताओ बेटे मार्केट कितने से गिरा दस परसेंट से ही जब आपका पोर्टफोलियो जो है वो तो तीस परसेंट से गिर गया ना तो दिख रहा है तीन गुना लॉस हो गया तीन गुना तो बीटा कितना अचीव हो गया थ्री टाइम्स वही तो आपको अचीव करना ठीक है सर खत्म करो एग्जाम्पल हमें नहीं मालूम कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते वो मैं अभी करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे तो यहां तक क्या बात समझ में कुछ बात समझ में नहीं आई सर हमें ये समझ में आ गया कि नंबर में क्या ये पूछता है बिल्कुल नहीं क्या तो एग्जाम में ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्ट यस ठीक कर ले तैयार हो बिल्कुल अब, अब हमें किसके क्वेश्चन कर अब हमें एग्जाम के क्वेश्चन करना है। सारी चर्चाएं हो चुकी है ये किस तरह से हैच करना है बस एग्जाम के और स्टडी मैट के जब क्वेश्चन करेंगे तो अब हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ यार मजा आया उठाते क्वेश्चन चलो भाई क्वेश्चन पे चले क्या ये है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पानी पी लू एक बार जी चलो जी क्वेश्चन पढ़े क्या यस चिंता मत करो एक ही क्वेश्चन करेंगे अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ होगी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो ब्रेक के बाद करेंगे एक क्वेश्चन निपटाते हैं अच्छे से निपटाते हैं फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए रिलैक्स कीजिए फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एक क्वेश्चन तो करिए तो क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे आठ नंबर के क्वेश्चन आएंगे on april 1 2015 an investor has a portfolio consisting of eight securities as shown below यहाँ सिक्योरिटी या अमाउंट नहीं दिया मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स दिया तो मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से तो वो जो आएगा वो आएगा अमाउंट और यहाँ वैल्यू दिया है गलत लिखा मिसप्रिंट है या होना चाहिए बीटा और ये बीटा दिया हुआ तो आप समझ रहे हो ना एक्चुअल में एक्चुअल में आईसीए आपसे कैलकुलेशन वाला पार्ट बेकार में करवा रहा है जबकि लॉजिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होना चाहिए ना कैलकुलेशन मतलब बीटॉक पोर्टफोलियो टेबल बनाना पड़ेगा बीटॉक पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा और उसी में टाइम कंज्यूम हो जाएगा लॉजिक पे हम पहुंचेंगे नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज ट्वेंटी परसेंट फार एन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों दिया पता नहीं और वो भी कैसे लेना आपको कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड इन्वेस्टर फीयर फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर इन द नियर फ्यूचर अकॉर्डिंगली अप्रोचेज यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो ठीक है यू कैन मैक यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन है करंट निफ्टी वैल्यू दे रखा एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको बोलते एस निफ्टी फ्यूचर करंट सर करंट लिखा ना हाँ करंट लिखा ना इसलिए तो मैंने इसको एस लिखा निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन ट्वेंटी फाइव ओनली मतलब ये हो गया मल्टीप्लायर फ्यूचर फॉर मे आर करेंटली कोटेड एट सेवन फाइव ये भी एफ है और फ्यूचर फॉर जून ये भी एफ है मतलब जब मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचा कब पहुंचे सर सर मैं पहुंचा एक अप्रैल दो हजार पंद्रह को और बोला कि अभी निफ्टी क्या चल रहा है

आर रिक्वायर टू कैलकुलेट सबसे पहले बीटॉप पोर्टफोलियो बीट निकालना है आग बंद करके बीटॉप पोर्टफोलियो निकालना है या टेबल बनाना पड़ेगा यस उसके बिना होगा नहीं तो चलो फिर क्या है बनाते हैं निकालते है बीटॉप पोर्टफोलियो कहा गया क्वेश्चन टेबल बनाने के लिए तैयार हो जी हाँ सर यस। yes. सर और नीचे नीचे भी तो वैल्यू दे रखा हां बहुत कुछ कर रहा है इसको पहले बीटा पोर्टफोलियो तो निकाले उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसी में पॉइंट नंबर टू और थ्री तो आसान है ठीक है सर चलो तो करते कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आने वाले क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है ना अभी एक बार इसको करते फिर मैं बात करता हूं कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सर क्या टेबल बनाना पड़ेगा यस टेबल का ही तो नंबर मिलने वाला है आपको पहला कॉलम क्या लिखेंगे सर इसमें इसमें लिखेंगे हम स्टॉक्स दूसरे में क्या लिखेंगे मार्केट प्राइस तीसरे में क्या आएगा सर तीसरे में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ़ जैसे कॉलम है वैसे करूंगा चौथे कॉलम में क्या आएगा सर चौथे कॉलम में आएगा वैल्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं अमाउंट भी बोल सकते हैं। फिर क्या आएगा सर वेट और फिर क्या आएगा सर वेट के बाद आएगा बीटा और फिर वेट इनटू हालांकि हम एक कॉलम हटा भी सकते थे वेट वाला कॉलम हटा के सीधा वैल्यू इनटू बीटा करके आंसर निकाल लेंगे पर तो प्रॉपर आईसीएआई की तरह करो क्या दिक्कत है सिक्योरिटी ए से तो देखिए A B C D, D E F G H market price twenty nine point four zero, three one eight point seven zero, six six zero point two zero. Five point two zero to eighty one point nine zero to seventy five point four zero five one four point six zero or one seven zero point five zero. नंबर ऑफ शेयर भी लिख लिया क्या चार सौ आठ सौ एक सौ पचास तीन सौ चार सौ सात सौ पचास तीन सौ नौ सौ अब हमको क्या करना हमें तो अमाउंट चाहिए ना तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये सबसे कैलकुलेशन बहुत बुरा एक्चुअल 29.4 नाइन 400 m इंटू फोर हंड्रेड एम प्लस सर ये आ गए ग्यारह हजार सात सौ साठ ठीक है थ्री वन एट पॉइंट सेवन इंटू एट हंड्रेड एम प्लस टू फाइव जीरो सिक्स सिक्स ज़ीरो पॉइंट टू इंटू एक सौ पचास एम प्लस नाइन नाइन ज़ीरो थ्री ज़ीरो फाइव पॉइंट टू ज़ीरो इंटू थ्री हंड्रेड एम प्लस वन फाइव सिक्स ज़ीरो एटी वन पॉइंट नाइन इंटू फोर हंड्रेड एम प्लस आ गया वन One two seven six zero two seventy five point four into sasso So, here, so, yeah, two zero six five five zero five one four point six into three hundred m plus one five four. एट जीरो सौ सत्तर पॉइंट फाइव इंटू नौ सौ आ गया नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो एक बार चेक कर लूं क्या नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो ठीक है अब क्या लिखना अब लिखना हमको वेट ठीक सर वैल्यू इंटू बीटा से भी हो सकता है हो सकता है पर मैं वेट निकाल के कर रहा हूं अधिकतर क्वेश्चन में वेट ही निकाल तो वेट कैसे निकालेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस ठीक है ठीक है सर मैं वेट निकाल के काम कर रहा हूँ ग्यारह हजार सात सौ वन वन सेवन सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो यहाँ वेट आ गया जीरो तो पॉइंट जीरो वन वन एट टू फिर सुनो क्या करना है टू फाइव फोर नाइन सिक्स जीरो इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव नाइन नाइन जीरो थ्री जीरो तो सर जीरो पॉइंट जीरो नाइन नाइन सिक्स वन फाइव सिक्स जीरो इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल जीरो वन फाइव सेवन सर वन वन टू सेवन सिक्स जीरो वन वन टू सेवन सिक्स जीरो इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन वन थ्री फोर टू ज़ीरो सिक्स फाइव फाइव जीरो तो यहाँ के जीरो पॉइंट टू जीरो सेवन सेवन वन फाइव फोर थ्री एट जीरो जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव टू फोर वन फाइव थ्री फोर फाइव जीरो जीरो पॉइंट वन फाइव फोर थ्री ठीक है मतलब सर एक बार ये लिखना है सर बिना वेट के भी वेट वैल्यू वे, इनटू बीटा से भी काम कर सकते लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में वेट से मल्टीप्लाई है ठीक सर 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 आपने किया कैसे मैंने ग्यारह हजार सात सौ साठ डिवाइडेड बाई किया नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो इक्वल टू कर दिया ये आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना मुझे टू फाइव फोर नाइन सिक्स जीरो इक्वल टू कर देना है नाइन नाइन जीरो थ्री जीरो इक्वल टू कर देना है तो ये ऑटोमेटिक आते जाएगा ठीक बेटा देख लेगी एक बार यस पॉइंट फाइव नाइन वन पॉइंट थ्री टू ०.८७, एट सेवन ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट वन सिक्स वन पॉइंट टू फोर वन पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स मैंने कहा कैलकुलेशन पढ़ा है इसका बस पॉइंट ज़ीरो वन वन एट टू पॉइंट फाइव नाइन एम प्लस तो सर ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो वन जीरो चार डिजिट तक लिखूंगा मैं पॉइंट टू फाइव फोर टू फाइव सिक्स फोर इंटू वन पॉइंट थ्री टू एम प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री एट फोर पॉइंट जीरो डबल नाइन सिक्स इंटू पॉइंट एट सेवन एम प्लस पॉइंट ज़ीरो एट डबल सिक्स point double zero one five seven into point three five M plus Sir point zero 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 five take okay, okay, a point one one three four into one point one six sir, point one three one five point two zero seven seven into one point two four sir point two five

वन पॉइंट वन जीरो टू आ रहा है बिल्कुल अल्टरनेटिव आंसर क्या होता अल्टरनेटिव तरीका वैल्यू इनटू बीटा करते जो भी आता है डिवाइडेड बाय टोटल लिविटेड एवरेज जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते थे ठीक है इसी में टाइम लगना था ऑफ पोर्टफोलियो में बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है ठीक है सर चले आगे yes. तो पहला काम तो कर दिया कोई दिक्कत नहीं दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है दूसरा पहले बी टॉप पोर्टफोलियो मांगा जबरदस्ती मांगा इतना कैलकुलेशन दूसरा पॉइंट जरा पढ़ लेते क्या मांग रहा है ठीक है सर द थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मे और जून सर ये जो दिया ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दिया बोले एक्चुअल फ्यूचर प्राइस नहीं चाहिए हमको थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस चाहिए और कब कब का चाहिए बोले हमको चाहिए एक तो मे का चाहिए और एक तो जून का चाहिए और क्या यहाँ डेज में कैलकुलेशन करना है कहीं भी दिया नहीं है कि वन ईयर इज इक्वल टू इतना डेज तो हम मंथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी क्या चल रहा है सर अभी तो अप्रैल चल रहा है इट मीन्स बात ऐसी है आज है एक अप्रैल ठीक है आपसे मे का मांग रहा है मे एंड का क्योंकि इसका कभी भी मैच्योरिटी एंड होता है तो एक तो सर टू मंथ का मांग रहा है और एक जून का मांग रहा है एक तो थ्री मंथ का क्या निकाल रहा है एफ डिविडेंड है नहीं है और कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है तो फॉर्मूला तो आपको पता है ठीक है सर पॉइंट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस और थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस में सबसे पहला मे का मान्य है मे फ्यूचर मतलब टू मंथ्स फॉर्मूला पता है ना भाई सर टू एस ई पावर आर और टी डिविडेंड नहीं है एस का मतलब स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस कहीं दिया हुआ था याद करो एटी फाइव हंड्रेड और रेट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा है ट्वेंटी परसेंट ठीक है दो महीने का देख लेंगे एटी फाइव हंड्रेड पॉइंट टू जीरो इंटू टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एटी फाइव हंड्रेड इंटू ए पॉइंट टू इंटू टू बाई ट्वेल्व पॉइंट जीरो थ्री थ्री क्या ये आपको निकालना आता है हाँ सर कैसे निकालतेड बाई फोर जीरो प्लस वन इक्वल टू बार बिल्कुल लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करोगे और क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है दिख रहा है आपको ये वैल्यू दिया हुआ है दिख रहा है पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो फोर पॉइंट समस्या क्या है हमें ना तो ये वाला वैल्यू चाहिए ना तो हमें ये वैल्यू, वैल्यू चाहिए. हमें चाहिए e 0.033 ये वाला वैल्यू चाहिए इन दोनों के बीच का तो सर क्या करेंगे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा सर कहाँ इंटरपोलेशन हम तो कैलकुलेटर से कर लेंगे ना नंबर नहीं मिलेगा इसको दिखाना पड़ेगा और इसी का तो नंबर है चलो सर तो फिर कुछ बचा नहीं इंटरपोलेट कैसे करते हैं हम तो खुद भूल गए चलो मैं याद दिला दूंगा ना मैं किस लिए चलो तो करे इधर साइड में कर लिख रहा हूं ई जीरो पॉइंट जीरो थ्री पर वैल्यू दिया है वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव और ई जीरो पॉइंट जीरो फोर पर वैल्यू दिया है वन पॉइंट जीरो फोर जीरो एट वन जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ई जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री की ठीक है ठीक है सर तो जैसे ही हम पॉइंट जीरो वन दिस माइनस दिस जीरो पॉइंट जीरो वन बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ती है वन पॉइंट जीरो फोर जीरो एट वन माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव तो यहां चेंज हो जाता है ये बढ़ जाता है जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो थ्री सिक्स से पर हमें इतना थोड़ी ना बढ़ाना है हमें तो पॉइंट जीरो थ्री थ्री माइनस पॉइंट जीरो थ्री हमें तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो इतना ही चेंज करना है तो सीधा सीधा काम करें सर वैल्यू आएगी वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव प्लस प्लस जीरो देखो ये लिखा ना मैंने ये ये लिखा हाँ तो ऊपर भी मुझे इसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो थ्री सिक्स चेंज होता है बढ़ता है किस पे जीरो पॉइंट जीरो वन पे तो पॉइंट डबल जीरो पर कितना इंटरपोलेशन पहली बार नहीं कर रहे हो या आपको सर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो बी एस एफ में करवा चुका हूं जीरो डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो वन इंटू पॉइंट डबल जीरो थ्री प्लस वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव तो ये आ गया सर वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री फाइव सिक्स जीरो ये भी ठीक है और इधर से पॉइंट डबल जीरो थ्री थ्री लिया है क्या थ्री 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 और एक थ्री ले लिया चलो ठीक है और एक थ्री लिया उन्होंने उसकी वजह से यहाँ थ्री बढ़ गया ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक तो आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि मैं एक्यूरेट उसके जैसा आंसर ले पॉइंट क्या 1.03045 तो ठीक है क्या फर्क पड़ा यहाँ जाएगा एट और सिक्स की जगह क्या हो जाएगा सेवन बाप एटी फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री एट सेवन एटी फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री एट सेवन ये आ गया एट सेवन एट सेवन पॉइंट एट नाइन ठीक है सर ये कब का निकला मे फ्यूचर ऐसी किसका निकालना है जून फ्यूचर मतलब थ्री मंथ एफ एज इक्वल टू इतना एटी फाइव हंड्रेड ही है ना एटी फाइव हंड्रेड स्पॉट प्राइस इंटू आपकी बार यहां तीन महीने जाएगा थ्री बाई ट्वेल्व एटी फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट पॉइंट टू इंटू थ्री बाई ट्वेल्व पॉइंट जीरो फाइव चेक करो वैल्यू दिया है कि इंटरपोलेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से पॉइंट जीरो फाइव का वैल्यू दिया है चेक करो बुक में यस yes, सर दिया है थैंक गॉड वन पॉइंट जीरो फाइव वन टू सेवन तो एटी फाइव हंड्रेड एटी फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव वन टू सेवन तो ये आ गया सर रुपीस एट नाइन फाइव पॉइंट सेवन नाइन ठीक है जी अब क्या पूछ ये तो यार ये बेकार की बात है ये पॉइंट नंबर टू क्यों पूछा था पता नहीं अब आगे बढ़ते लास्ट ये काम की चीज है यही तो हम करने वाले थे पूरा कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ही वुड हैव टू सेल If he to has, जून, जून, में हैज करना, जून में जून में तो सर हमें जून मे का काम का है नहीं हमें जून के, लिए हैज करना, साथ साथ लिखा, जून के लिए और कुछ नहीं लिखा है तो टारगेट बीटा कुछ ना दिया तो टारगेट बीटा क्या मान के चलना सर जीरो जीरो और जून के लिए फ्यूचर प्राइस जो हमने निकाला वो ले गई भाई और एक्चुअल जून के लिए क्या कोर्ट है

सर आपका पोर्टफोलियो है ये नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो पोर्टफोलियो है कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कहेंगे पूरा पोर्टफोलियो नहीं सिर्फ पचास परसेंट ही पोर्टफोलियो है, करना चाहते हैं तो फिफ्टी परसेंट लेंगे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम एक सौ बीस परसेंट हैच करना चाहते हैं मतलब हम फ्यूचर में और ज्यादा खेलना चाहते मैं आपको बताया था ना कुछ लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट ही तो रहा है ना यार यारंड्रेड परसेंट हैच नहीं और ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ले लो प्रॉफिट भी कमा लेंगे कम से कम वो जितना ही बोले हमें क्या करना हमें तो हैश करना तो चलो काम करते लास्ट क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सा पॉइंट है जो कर रहे करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर थर्ड इसके बाद ब्रेक है साहब है ना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर फॉर्मूला लिखोगे कि हंड्रेड परसेंट बिना फॉर्मूले के कैसे होगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो हैश करना है टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बीट ऑफ फ्यूचर पहले में कितना हैज करना चाहते हो सर पहले में इस टोटल पोर्टफोलियो ए टोटल पोर्टफोलियो कब के लिए हैज कर रहे हैं मालूम है जून के लिए नंबर ऑफ टू पोर्टफोलियो का वैल्यू था कितना टारगेट बीटा जीरो माइनस बीटा पोर्टफोलियो कितना था वन पॉइंट वन जीरो टू जून का फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा था जून का उसने दिया था शायद एट एट फाइव जीरो इंटू पचीस इंटू वन ना भी लिखो तो चलेगा तो सर वन नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो इंटू वन पॉइंट वन जीरो टू डिवाइडेड बाय एट एट फाइव जीरो डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव यस फोर पॉइंट नाइन फाइव कॉन्ट्रैक्ट एप्रोक्स किया जाएगा अप्रोक्स फाइव कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट माइनस में आ रहा है शॉर्ट contract. बोल, बोल दो एक ही दूसरा कितना पोर्टफोलियो है करना चाहता है सर फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो फिर से क्या निकालेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्ट नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो इंटू फिफ्टी परसेंट इंटू जीरो माइनस वन पॉइंट वन जीरो टू डिवाइडेड बाय एट एट फाइव जीरो इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू वन ठीक है

टू कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ए सोल्ड टी से मैं सहमत नहीं हूं आईसीए ने गलती किया है कभी भी राउंडेड ऑफ टू पॉइंट फोर सेवन थ्री कैसे हो जाएगा सी वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो लास्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन नाइन फोर फोर फाइव जीरो इंटू ये जरूरत से ज्यादा हैच कर रहा है ठीक है इंटू जीरो माइनस वन पॉइंट वन जीरो टू डिवाइडेड बाय एट एट फाइव जीरो इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू वन लास्ट खत्म कर दे तो नाइन नाइन फोर फोर फाइव जीरो इंटू एक सौ बीस परसेंट इंटू वन पॉइंट वन जीरो टू डिवाइडेड एट एट फाइव जीरो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव फाइव पॉइंट नाइन फोर कॉन्ट्रैक्ट सिक्स कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड और सबसे कभी पूछेगा नहीं इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं सिर्फ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन वाला पार्ट ना पहला दूसरा तो समझ में आता है ये जबरदस्ती का दिया ये नहीं भी देता भैया वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते और ये इतना बड़ा देते हैं कोई ऑफ पोर्टफोलियो निकालने की जबरदस्ती टाइम पास ठीक है जी ब्रेक है ब्रेक ले लो आराम से उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है जी ब्रेक है भाई